एम 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे विपक्षी दलों की, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंची प्रियंका गांधी की सरकार के खिलाफ आए बयान की, साथ ही बात करेंगे राजस्थान में फिर रुके कैबिनेट विस्तार की। इसके साथ ही बात करेंगे शिवराज सरकार के खिलाफ उमा भारती के महाप्लान की और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे किसानों पर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े बयान की। लेकिन इन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बजट 2021 को लेकर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा इस बार के बजट में किसी पर नए टैक्स का बोझ नहीं डाला गया। संसद में चल रही है बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, आईबी चीफ और दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी हैं मौजूद। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के बाद ग्रेटा थनबर्ग ने फिर किया ट्वीट, कहा किसानों के शांतिपूर्ण विरोध के साथ हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, अगले 6 महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच करेगी दिल्ली सरकार। हरसिमरत कौर बादल का बड़ा बयान, मैंने पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर पर ऐसी बैरिकेडिंग नहीं देखी। दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर फिर सियासत के केंद्र में है, वहाँ विपक्षी नेताओं का एक दस्ता आज पहुँचा, इसमें 8 राजनीतिक दलों के सांसद थे। सांसदों ने हालातों का जायजा लिया, किसानों की मुश्किलें जानी। गाजीपुर पहुँचे सभी विपक्षी सांसद अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मिलेंगे और उन्हें पूरा हाल बताएंगे। विपक्ष के सांसदों की टीम में अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके सांसद कनी मोझी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय शामिल रहे। इन सांसदों को दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल से पहले ही रोक दिया था। बाद में सांसदों ने कुछ किसान नेताओं से मुलाकात की और उनकी तकलीफों को समझा। इस मौके पर अकाली दल से सांसद हरसिमरत कौर ने कहा कि यहां 3 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग लगाई गई है, ऐसे में किसानों की क्या हालत हो रही होगी, हमें भी यहां रोका जा रहा है, हमें भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, 13 लेवल की बैरिकेडिंग की गई है, इतना तो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं है, हमें संसद में भी इस मुद्दे को उठाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष के 15 सांसद दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हुए थे, तभी बॉर्डर से कीले उखाड़ी जा रही थी। एक तरफ सांसदों को बैरिकेडिंग की, दूसरी तरफ यानी दिल्ली की साइड में रोका गया था, दूसरी तरफ यानी गाजियाबाद की ओर लोहे की कीलों की इन पट्टियों को हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सिर्फ एक ही कर्मचारी सब कीलों को हटा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि विपक्षी दल क्या ओम बिड़ला से बात करते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी किसान नवरीत सिंह की अंतिम अरदास में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने नवरीत के परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका ने कहा कि नवरीत की शहादत व्यर्थ नहीं होने देंगे। प्रियंका ने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार तीनों काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती। प्रियंका ने कहा कि सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है। प्रियंका गांधी ने नवरीत सिंह के दादा का नाम लेकर कहा कि मैं हरदीप सिंह को कहना चाहती हूं कि आपके पोते की शहादत हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। इस आंदोलन को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक ये तीनों काले कानून सरकार वापस नहीं ले लेती। प्रियंका गांधी ने कहा कि नवरीत सिंह 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है, आपके भी नौजवान बेटे हैं। वह उत्साह दिखाने किसानों के साथ खड़े होने के लिए वहां चले गए, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ कि वापस नहीं आए। नवरीत की अंतिम अरदास में पहुंचकर प्रियंका गांधी ने कहा कि ये 3 काले कानून हैं, सरकार इन्हें जल्द से जल्द वापस ले, सरकार को वापस लेना चाहिए, किसान पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा जुल्म तब होता है जब ये शहीदों को आतंकवादी कहते हैं, जब ये किसान के आंदोलन को अपने लिए एक राजनीतिक साजिश की तरह देखते हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार की ओर से प्रियंका के इस बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। वहीं आगे बात करते हैं, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने गहलोत सरकार के जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। माकन ने साफ कर दिया है कि बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा जोरों शोरों से शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा का बजट सत्र बुला लिया गया है और सेशन के बीच में नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किए जाते हैं।
अजय माकन के इस बयान से सबसे ज्यादा झटका सचिन पायलट के गुट के नेताओं को लगा है, जो मंत्रिमंडल के विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के इंतजार में बैठे हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ जुलाई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था। पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर के होटल में एक महीने तक डेरा जमा के रखा था। इस दौरान गहलोत ने पायलट को डिप्टी सीएम और उनके समर्थक मंत्रियों को कैबिनेट से हटा दिया था। पायलट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद भी छीन लिया गया था। गांधी परिवार के हस्तक्षेप के बाद सचिन पायलट बागी रुख अख्तियार त्याग कर वापस लौट गए थे। सचिन पायलट को बागी रुख छोड़े हुए 6 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक ना तो उनके समर्थकों की गहलोत कैबिनेट में वापसी हो सकी है और ना ही अभी तक पायलट को कोई पद मिला है। यही वजह है कि सचिन पायलट गुट के लोग जल्द मंत्रिमंडल विस्तार का लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन गहलोत इस मूड में दिखाई नहीं दे रहे। माकन ने गहलोत के मन की बात कहकर पायलट गुट को झटका दे दिया है। वहीं जहां राजस्थान कांग्रेस में अनबन का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी में भी कुछ ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। बात बात पर पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी को कड़वी बातें सुनाने वाली उमा भारती ने इन दिनों बीजेपी के दिग्गज नेताओं को बेचैन कर दिया है। उमा भारती ने सबसे ज्यादा चिंता मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की बढ़ा दी है। उमा भारती अब एक ऐसी मुहिम की शुरुआत करने जा रही है जिससे बीजेपी शासित राज्यों की ले बढ़ जाएंगी। एमपी में शिवराज सरकार शराब दुकानों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही थी। कलेक्टरों के सुझाव के लिए चिट्ठी भी जारी हो गई थी, लेकिन उमा के तेवर के आगे सरकार की सोच पर पलीता लग गया। अब उमा ने अपनी एक ट्वीट से एमपी की सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। उमा भारती बीजेपी शासित सभी राज्य में शराबबंदी की मांग कर रही है। इसके लिए उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी अपील की थी, लेकिन पार्टी नेताओं की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके साथ ही शराबबंदी को लेकर एमपी सरकार की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। ऐसे में उमा भारती ने 8 मार्च से सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए वो विधिवत रूप से पूरा कार्यक्रम जारी करेगी, लेकिन अब देखना होगा कि उमा भारती के इस कदम से शिवराज सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। वहीं बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं किसानों पर सिंधिया के बयान की। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के बीच भारतीय जनता पार्टी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि किसान भारत के विकास की रीढ़ हड्डी हैं। हम उन्हें अन्नदाता कहते हैं। किसान पूरे विश्व का पेट भरता है। हमारी सरकार 3 कृषि कानून जो लेकर आई है वो आगे बढ़ाने वाले हैं और कृषि के विकास के लिए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि किसान का आय 2 गुना हो, किसान को स्वतंत्रता मिले और वो अपना उत्पादन देश में कहीं भी बेच सके। एक ही जगह तक वो किसान सीमित क्यों रहे, इसलिए ये कानून लाए गए हैं। जरूर संवाद होना चाहिए और सरकार ने 11 बार संवाद किया भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम कानून को 18 महीने के लिए स्थगित भी कर सकते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों ने ऐसे कानूनों की वकालत की थी अब वो विरोध कर रहे हैं। अगर हम 2019 का कांग्रेस पार्टी का चुनाव मैनिफेस्टो देखें, उसी पर आज भी अडिंग रहेंगे तो आपका भी सम्मान होगा। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कोरोना के मामले देश के नेतृत्व ने सही समय पर सही निर्णय लिया। 1975 में जो इमरजेंसी लागू की गई थी पूरे देश को जेल खाना बना दिया था, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन का पूरे देश ने पालन किया। हमारी सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SBN 9 न्यूज के साथ।